हाय एवरीवन, वेलकम टू सुजास किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और सभी को पसंद आने वाली रेसिपी। यह है चीज़ पोटैटो बॉल्स। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए इस चीज़ पोटैटो बॉल्स कैसे बनाया जाता है देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 से 6 उबले हुए आलू लिया है। इसके छिलके निकाल के इस तरीके से अच्छे से मैश करनी होगी। ये मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने आधा टीस्पून नमक डाल दिया और आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दिया और कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टेबलस्पून जितना। और इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ, ये है चॉप किया हुआ हरा धनिया, ये भी 2 टेबलस्पून जितना है। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए ज़्यादा झंझट भी नहीं है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बनती है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। अभी मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, एक साइड में रख दिया। फिर मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम मोजरेला चीज़। इसे क्यूब्स में कट करेंगे, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। मैंने जो यहाँ पर लिया ना, ये जो 200 ग्राम चीज़, इससे कम से कम 25 से 30 चीज़ पोटैटो बॉल्स तो बन जाती है। यहाँ पर देखिए इसका साइज़ मैंने इस तरीके से इतना छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। अभी एक प्लेट में लेंगे कोटिंग के लिए 2 बड़े चम्मच जितना मैदा, और ये है पोटैटो मिक्सचर, और ये जो कट किया हुआ चीज़ क्यूब्स। अभी हाथों को थोड़ा सा गीला कर लेंगे ताकि ये जो मिक्सचर है ना, हाथों को चिपकेगा नहीं। फिर इसे एक नींबू साइज जितना बॉल बनाएंगे, फिर इसे फ्लैट करना है, फिर इसके अंदर ये जो हमने कट किया हुआ चीज़ क्यूब्स को रख देंगे बीच में इस तरीके से, फिर इसे कवर कर लेना है। अच्छी तरह से कवर करके एक गोल बनाना है। फिर ये जो मैदा लिया था ना, इसमें से कोट करेंगे। देखा, इस तरीके से सारे हम रेडी करके रखना है। मैं और एक बना के दिखा रही हूँ। पहले पोटैटो मिक्सचर हाथ में लेना है, गोल करके फ्लैट करना है, फिर इसके अंदर मोजरेला चीज़ क्यूब को रखे गोल बना के फिर मैदा में कोट करना है। ये देखिए मैंने कुछ बॉल्स रेडी करके बना के रख दिया है, बाकी को भी बना के रख देंगे। अभी यहाँ पे देखिए कॉर्नफ्लोर स्लरी बनाने के लिए एक बाउल लिया है। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितना मैदा और 1 बड़े चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर, और आधा से 1.25 कप जितना पानी डाल के अच्छे से मिक्स करना है। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, एकदम गाढ़ा भी नहीं रखना है, सिर्फ कोटिंग होना चाहिए। अभी ये अच्छे से मिक्स हो गई है। फिर अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, यानी 1/4 टीस्पून जितना ही नमक डालेंगे टेस्ट के लिए। इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स करनी है। अभी आगे का प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ब्रेड क्रम्स, ये भी 1 कप जितना है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो क्या करेंगे, फ्रेश ब्रेड जो रहता है ना, उसे मिक्सर में डाल के पाउडर बना के ले सकते हैं। फिर ये जो पोटैटो बॉल्स हमने बना के रखे हुए, इसे इस कॉर्नफ्लोर स्लरी में डिप करेंगे अच्छे से, फिर ये ब्रेड क्रम्स में डाल के अच्छे से कोट करने हैं। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से कोट करना है। अभी फ्राई के लिए ये जो एक बॉल तो रेडी है, इसी तरह से सारे बॉल्स को रेडी करके रखना है। ये जो बना हुआ बॉल्स को स्लरी में डाल देंगे अच्छे से कोट करके, फिर ब्रेड क्रम्स में डालेंगे, इसे भी अच्छे से कोट करेंगे। तो रेडी हो गया हमारा ये सारे बॉल्स फ्राई करने के लिए। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल को गर्म के लिए रख दिया है हाई फ्लेम पर। जैसे तेल गर्म हो जाता है तब मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और ये बॉल्स को डाल देंगे 3-4, फिर अच्छे से फ्राई करनी है। दोनों साइड से अच्छे से फ्राई होना चाहिए, तब तक इसे फ्राई करना है, और कलर भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए गोल्डन ब्राउन, तब तक फ्राई करेंगे। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, कलर भी कितना सुंदर मस्त आई है, एक भी फूटे नहीं, बहुत अच्छी बनती है। तब इसे एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। इसी तरह बाकी को भी फ्राई करेंगे।
ये देखिए हमारा चीज़ पोटैटो बॉल्स बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। कोई भी शेजवान चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व करेगा, नहीं तो चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी खा सकते हैं। इतना बढ़िया बनती है ये रेसिपी, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी एकदम सॉफ्ट बनी है। सभी को पसंद आने वाली ये स्नैक है, आप भी ट्राई करके देखिएगा। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करिए और शेयर कीजिए, और पहली बार मेरे चैनल देख रहे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।